यूपी में लगातार बढ़ रहे लड़कियों और किशोरियों के साथ हैवानियत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यही वजह है कि छोटे भाई के साथ खेत गई किशोरी को पड़ोसी व्यक्ति ने अपनी हवस का शिकार बना डाला और धमकाते हुए मौके से फरार हो गया है। वही पीड़ित ने आपबीती परिजनों को बताई। परिजन सुनते ही किशोरी को थाने गुहार लगाने गए। मामला कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र के एक गाँव का है, जहाँ बताया जा रहा है कि छोटे भाई के साथ खेत मिट्टी लेने गई किशोरी को पड़ोसी व्यक्ति अनिल ने अपनी हवस का शिकार बना डाला और मौके से फरार हो गया। पीड़िता के पिता का कहना है कि बेटी छोटे भाई के साथ खेत में मिट्टी लेने गई थी, तभी मौका पाकर पड़ोसी अनिल मौके पर पहुंच गया। छोटे भाई को देखकर उसने उसे बोतल में पानी लाने भेज दिया। छोटे भाई के जाते ही अनिल ने किशोरी के साथ हैवानियत की दास्तां लिख डाली और किशोरी को धमकाते हुए किसी को ना बताने की बात कहते हुए हैवान अनिल मौके से फरार हो गया। अनिल पीड़ित परिवार का ही है, उसके दो बच्चे भी हैं। हवस के शिकारी अनिल ने अपनी ही परिवार की नाबालिग के साथ पानी में भर ले आए थे, अब बिरादरी की बात आती पानी लमटा फिर नहीं जाओ धमकाए को भगा दो मट्टी खुद घर पानी भरे बेगला रोड पर कहीं से वाला पानी बोतल दे के मोड़ी मन इन पटक लो नरारा तोड़ दो साफ जब थी गड्ढा आ गए रूप मट्टी तक खोदा था मैंने गड्ढा या मुड़ी छीके तो कोई मुंह दाव लो इन्हें छीकी है बस गलत काम कर दिया साहब। वहीं पीड़ित परिवार ने जब किशोरी के साथ दुष्कर्म की बात पुलिस को बताई तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में छापेमारी कर आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ शुरू कर दी। वहीं इस मामले में एडिशनल एसपी अनिल कुमार ने बताया कि सिकंदरा थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ रेप का आरोप लगाया गया है। पीड़िता का मेडिकल जांच भी कराया जा रहा है। 161 के बयान दर्ज हो गए हैं, न्यायालय में 164 का बयान कराया जाएगा। आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कानपुर देहात गांव से रजा मोहम्मद की रिपोर्ट।